हे गाइस सैलियर और दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी बियर्ड को कैसे शेप दे सकते हो और उसको लाइन अप कैसे कर सकते हो और उसको ट्रिम कैसे कर सकते हो। तो काफी सारे बंदों के कमेंट आ रहे थे भाई इस टॉपिक वीडियो बनाओ, तो वीडियो आ चुकी है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और मैंने काफी टाइम से अपनी बियर्ड को ट्रिम नहीं किया जस्ट बिकॉज मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे इसको ट्रिम करते हैं, कैसे इसको अपने लाइन अप करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो तो बियर्ड के ऊपर है। तो अगर आपको आईब्रोज के ऊपर भी वीडियो चाहिए और आपको देखना है कि आप उसको कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो, तो इस वीडियो पर आपको सिर्फ 300 लाइक करने हैं और मैंने ज्यादा कोई बड़ी डिमांड नहीं की, इतना तो आप काम कर ही दोगे इतना मुझे पता है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, तो जैसे 300 लाइक कंप्लीट होते हैं उस वीडियो पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, जो बेल का आइकन है उस पर टैप करें ना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी जाओ जाके फॉलो करो और वहां पर आप जाते ही फॉलो कर दोगे, इतना तो मुझे पता है। तो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं जो मैं करता हूं पर्सनली, और जैसे मैं करता हूं सेम वही जो प्रोसेस है मैं वो आपको बताने वाला हूं, और वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगी ट्रिमर, और मैं यूज़ करता हूँ फिलिप्स का ट्रिमर, आप देख सकते हो। और इसको यूज़ करके हम अपनी बियर्ड को ट्रिम करेंगे और मेरी जो बियर्ड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो वैसे जो ट्रिमर है वो काफ़ी अच्छा है और परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा करता है, लेकिन मुझको इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। इसके 3 स्टेप होते हैं और जो इसमें सबसे बड़ा वाला जो स्टेप होता है वो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन उससे भी जब मैं अपनी बियर्ड को ट्रिम करता हूँ तो फिर जो मेरी बियर्ड है वो काफ़ी छोटी हो जाती है और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मतलब अजीब सी फीलिंग आती है। तो इसलिए मुझको कॉम लगाने की जरूरत पड़ती है, तो कॉम लगा के फिर मैं इसको ट्रिम करता हूँ जिससे कि जो परफेक्ट शेप और जो ट्रिमिंग है वो हो पाती है और जितनी भी मेरी जो बियर्ड है वो इवन हो पाती है। और जैसे आप अपनी बियर्ड को ट्रिम करना चाहो, मतलब अगर आपके पास कोई भी ट्रिमर है तो उसको आप लेके अपनी बियर्ड को पूरा इक्वल कर लो जिससे कि जो लुक है वो काफी सही रहता है, मतलब कोई जो हेयर है वो आगे पीछे नहीं होते, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा सारे इक्वल हो जाते हैं। और अब बारी आती है हमको शेप देने की, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लेड, और मैं यूज करता हूँ जिलेट का ब्लेड। तो आप देखते हो नॉर्मल सा है, यही मैं यूज करता हूँ, और अगर आपके पास कोई भी हो तो आप वो यूज कर सकते हो। तो आप सभी को पता है कि यार हमको बियर्ड को शेप देने से पहले और ब्लेड लगाने से पहले हमको शेविंग क्रीम लगाना जरूरी होता है। तो मैं शेविंग क्रीम नहीं लगाता क्योंकि शेविंग क्रीम मुझको अच्छी नहीं लगती और वो मेरे फेस पर सही भी नहीं लगती, और उसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ एलोवेरा और प्लस वर्जिन कोकोनट ऑयल, और दोनों को मेल्ट करके आपस में मैं इसको लगाता हूँ। और इससे क्या होता है कि जो आपकी बियर्ड शैडो बनती है, मतलब काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जब वो अपनी बियर्ड को ट्रिम कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो उनकी बियर्ड के एरिया जो होता है वहाँ पर ब्लैक ब्लैक सा जो मतलब टाइप है वो हो जाता है और जो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप कोकोनट ऑयल और एलोवेरा यूज़ करते हो तो जो ब्लैक शैडो वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। और जो बियर्ड शैडो की प्रॉब्लम है वो मुझको बिल्कुल भी नहीं आती और जो मेरी बियर्ड है वो काफ़ी मस्त भी लगती है, मतलब अपने मुँह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, तो आप बताना कैसी लगती है। तो अगर आप भी ये मेथड यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई क्रीम भी यूज़ कर रहे हो तो आप अच्छी ब्रांड का यूज़ करो, आप कोई सस्ती से चेप मत हो जाना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इन दोनों को आपस में मेल्ट करके मैं कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करता हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन की जितनी डेड सेल्स होती है वो तो हट जाती है और जो हमारा फेस है वो थोड़ा सा पहले से काफ़ी ब्राइट भी दिखने लगता है। और उसके बाद जब आप अपनी बियर्ड को शेप देते हो तो फिर काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी क्लीन शेप आपकी आती है। और आपको इसको फेस के साथ साथ नेक पर भी अप्लाई करना है क्योंकि जो हमारे नेक की हेयर है उसको भी हमको क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पे मसाज कर लिया, और फिर उसके बाद अब क्या करना है कि हमको सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा अपनी नेक से, और यहाँ पर हमको राउंड शेप देनी पड़ेगी अपने नेक पर। तो जैसे मैं कर रहा हूँ सिर्फ वैसे ही आपको भी करना है और आप देखते रहो कैसे मैं कर रहा हूँ। तो हमारी जो नेक की हेयर है वो कम्प्लीट हो चुकी है, मतलब वो काफ़ी सही हो चुके हैं और थोड़े भी हेयर उस पर नहीं है। एंड अब हमको बात करनी है अपने बियर्ड को लाइनअप के बारे में, और ऊपर जो आपके फेस पर जो आपके चिक पर है उसको आप कैसे लाइनअप कर सकते हो, उसको कैसे आप सेट कर सकते हो। तो जो शेप मैं देता हूँ वो आप खुद ही देख सकते हो, और जो भी जैसी भी आप शेप देते हो वैसी आप सेम दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ सेम वैसी आपको देनी है। और मतलब मैं आपको कोई स्टाइल सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप ऐसे स्टाइल में रखो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हम अपने जो चिक की हेयर है वो लाइन अप कर चुके हैं और देख सकते हो काफ़ी सही है, और पहले से अब में काफ़ी डिफरेंस है। तो हमारी जो बियर्ड है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है और जो लुक है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हमको क्या करना है कि आपकी जो चिन है वहाँ की जो हेयर है वहाँ पर आपको उसको लाइन अप करना है, उसको सही करना है, जो एक्स्ट्रा हेयर हो रहे हैं उसको आपको सही करना है। तो यहाँ पर जो पूरी शेप है वो हम दे चुके हैं अपनी बियर्ड को, और आप खुद भी देख सकते हो मतलब पहले से और अब में काफ़ी डिफरेंस है, और पहले से अब काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अच्छा तभी लगता है यार जब हर चीज़ को आप प्रॉपर मेंटेन रखो, हर चीज़ को आप ग्रूम करके रखो। आपकी बियर्ड है तो आप उसको अच्छी शेप में रखो, अगर आपके पास बियर्ड है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप उसको शेप में रखो। अगर आपके पास बियर्ड नहीं है तो फिर आप क्लीन शेप में रखो, वो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। तो अगर आपको बियर्ड ग्रोथ करनी है, अगर आपके पास बियर्ड नहीं है, तो एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है और काफ़ी सारे बंदों के अभी भी कमेंट आते हैं भाई बियर्ड के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, इसी चैनल पर है, आप वो आज जाके वीडियो देख सकते हो। तो ऐसे आपको बियर्ड को शेप दे देना है। तो अब तक तो हमने अपनी बियर्ड को लाइनअप किया,
और हमने अपने बियर्ड को पूरा शेप में दिया है। और अब आपको क्या करना है कि आपकी जो मुस्टैच होती है, जो उसके जो हेयर होते हैं वो आपके लिप्स पर भी आ रहे होते हैं, तो उसको भी आपको मेंटेन रखने की काफ़ी ज़रूरत है, नहीं तो फिर आप मतलब कहीं जगह धोखा खा सकते हो और कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी फाइन सीजर, और ये कहीं पर भी आपको मिल जाती है, शॉप पे आप जाके ले सकते हो। और इसको आपको ये लेनी है, और फिर उसके बाद जो जितने भी हेयर आपके लिप्स पे आ रहे हैं उसको आपको क्लीन करना है, जस्ट बिकॉज आपकी जो लिप्स है वो अच्छी तरह से दिख पाएँ और जो आपकी मुस्टैच है वो भी अट्रैक्टिव सी दिखे, तो आपको ये कर लेना है। तो सेम यही प्रोसेस था जब आपको अप्लाई करना है, जैसे आपको अपनी बियर्ड को शेप करना है वैसे आप दे सकते हो, और काफ़ी नॉर्मल सा और काफ़ी आसान सा था जो मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आप भी करना चाहो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही आपको बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कहीं से भी कुछ भी अगर आपको नया सीखने के लिए मिला है तो अभी इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके भाई का भला हो जाएगा और आपका भी भला होते रहेगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, जो साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाते ही रहता हूँ और आपको स्मार्ट हैंडसम बनाना मेरा काम है जो मैं करते ही रहता हूँ। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो मेरी कई सारी फोटोज है, जाके उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मन करे तो कर देना। तो बस मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो, और लॉकडाउन 3 महीने तक और बढ़ चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, घर पर बैठ रहो। और बस इतना ही कहूँगा, तब तक के लिए पीस आउट।